2022 के साल में जितनी उतल पुथल नहीं हुई उससे ज्यादा उतल पुथल आने वाले 2023 में होने वाली है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2023 में महाराष्ट्र में शिंदे नाम का कोई गुट नहीं होगा, वो भाजपा के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जिस तरह से ये बिसात रची गई है और जनता के सारे मुद्दों की अनदेखी की गई है, फिर वो बेरोजगारी हो, बेताशा बढ़ती महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो, हर बात में इस सरकार ने मात खाई है और महाराष्ट्र को पीछे लेके जाने का काम किया है। मानो सत्ता ही इसलिए हासिल की थी कि गुजरात के लिए कुछ कर पाए, महाराष्ट्र के विकास को रोककर गुजरात में सारे उद्योगों को भेजकर मोदी जी की मदद के लिए ये शिंदे फडणवीस सरकार आई है। ये बात अभी लोगों के मन में पक्का घर कर गई है। 50 होके एकदम ओके, हमें हमसे लेना देना है, हमारे विकास से लेना देना है, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह का वर्तन इस शिंदे फडणवीस सरकार का अब तक रहा है। अभी जो अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र की असेंबली का, उसमें भी जनता के प्रति किसी भी तरह की संवेदनशीलता का परिचय न देते हुए हम कैसे सही है और विपक्ष को जितनी गाली दे सकते, जितना भला बुरा कह सकते, उसी कहने में इन्होंने बिता दिए। यही देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अधिवेशन बड़ा होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए, 6 हफ्ते का होना चाहिए, लेकिन पिछले टर्म में भी जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी 2 हफ्ते के ऊपर नहीं चला और आज भी 2 हफ्ते के ऊपर नहीं चलने दिया। तो ये स्पष्टता से जनता के सामने आ चुका है। इसका परिणाम जो है वो जनता इनको दिखाने वाली है। फिर वो बीएमसी का चुनाव हो, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सहित 10ों महानगर पालिकाओं के चुनाव में इन्हें इनकी जगह जो है वो जनता दिखाने वाली है। अभी जो विधान परिषद के चुनाव है वो पांचों की पांचों सीट महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और इस बार इस दर्दनाक, इस बुरी तरह से जनता इनको हराने वाली है कि आने वाले 25 साल तक बीजेपी हमें सत्ता दो ये बोल भी नहीं पाएगी।